तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ टॉप 5 ऐसे गेमिंग स्मार्टफोन जो हमें देखने को मिल जाएंगे 8,000 रुपये के बजट के अंदर। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर बताइए 8,000 रुपये के बजट में कौन सा रहेगा बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन जिसमें मैं कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी आराम से खेल पाऊँ। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए दोस्तों, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसी सपोर्ट बना के रखें, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम करते हैं शुरू। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है सैफ, आप देख रहे हैं टेक फॉर ज्ञान। तो जो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे है वो है शाओमी की तरफ से आने वाला रेडमी 8A। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी रहेगी दोस्तों वो हमें प्लास्टिक की देखने को मिल जाएगी, और अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका जो वेट रहेगा दोस्तों वो हमें 188 ग्राम देखने को मिल जाएगा, और अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 6.2 इंच की HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगी, और अगर इसके प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, और वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 देखने को मिल जाएगा जो कि ऑक्टोकोर पे बेस रहेगा। तो जो इसके 4 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे, और जो बाकी के 4 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, और अगर रैम की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 2 GB की रैम देखने को मिल जाएगी, और वहीं अगर कैमरे की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक कैमरा देखने को मिलेगा, वो रहेगा 12 MP का f/1.8, और वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा f/2.0, और अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि 18 वॉट पावर चार्जिंग के साथ आएगी, और वहीं अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 2G 3G और 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और 3.5 mm जैक भी सपोर्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पे निराश करता है कि इसके अंदर में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि वही आपको पुराने स्टाइल में इसको अनलॉक करना पड़ेगा अपने पिन की मदद से, और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो ये हमें 6,800 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये फ़ोन हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पे क्यों है, क्योंकि जो इसका प्रोसेसर है दोस्तों इतना पावरफुल नहीं है, और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इसके कैमरे की तो इसके अंदर में सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और करते हैं बात नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों हमारी लिस्ट पे वो है इन्फिनिटी हॉट 8। तो अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका जो वेट रहेगा वो हमें 179 ग्राम देखने को मिल जाएगा, और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये हमें प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाएगा, और अगर बात की जाए डिस्प्ले की तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच की HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब ये दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के साथ हमें देखने को मिलेगी, और अगर प्रोटेक्शन की बात की है दोस्तों तो ऐसा कुछ कंपनी ने क्लेम नहीं किया है कि इसके सामने की तरफ हमें कोई भी गोरिल्ला ग्लास या फिर किसी अदर ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो P22। तो दोस्तों ये ऑक्टोकोर पे बेस रहेगा, तो जो इसके जो 8 कोर हैं वो वर्क करेंगे 2 GHz पे कोटेक्स A53, और अगर इसके GPU की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा पावर VR GE8320, 4 GB की रैम देखने को मिल जाएगी दोस्तों इस फोन के अंदर, और वहीं अगर इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी जिसे हम एक्सपेंड कर पाएंगे अप टू 256 GB, और अगर कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 2 कैमरे देखने को मिल जाएंगे बैक की तरफ में, यानी कि जो पहला कैमरा रहेगा वो रहेगा 13 MP का, और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा, और वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा दोस्तों हमें 8 MP का देखने को मिलेगा, और अगर बैटरी की बात की जाए तो उसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि कोई भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है दोस्तों, और वहीं अगर बात की जाए नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो इसके अंदर हमें 2G 3G और 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और अगर ऑडियो जैक की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो इसके अंदर दोस्तों हमें बैक की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी, यानी कि दोस्तों इसके अंदर गेम तो चल जाएंगे बट थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो P22 प्रोसेसर ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो फोन है ये आपको 8,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और करते हैं बात नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट पे दोस्तों वो है रियलमी की तरफ से आने वाला 3i। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका जो वेट रहेगा वो हमें 175 ग्राम देखने को मिल जाएगा, और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, और अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है 6.2 इंच की HD IPS डिस्प्ले, ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगी दोस्तों, और अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो P60। ऑक्टोकोर पे बेस रहेगा दोस्तों, जो इसके 4 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 2 GHz पे कोटेक्स A73, और जो बाकी के 4 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 2 GHz पे कोटेक्स A53, और अगर इसके GPU की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है माली की तरफ से आने वाला G72 MP3, और अगर रैम की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है, और अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है जिसे हम एक्सपेंड कर पाएंगे अप टू 256 GB, और अगर बात की जाए दोस्तों कैमरे की तो इसके अंदर हमें 2 कैमरे देखने को मिल जाते हैं पीछे की तरफ। प्राइमरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 13 MP का f/1.8, और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का f/2.4, और अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है f/2.0 के साथ, और वहीं अगर बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है 4230 mAh की बैटरी,
जो कि कोई भी फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आती है। और वहीं अगर बात की है नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो इसके अंदर हमें 2G, 3G और 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर ऑडियो जैक की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो इसके पीछे की तरफ हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि बैक की तरफ। अब दोस्तों ये हमें 8,500 का देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों जब भी सेल चलती है फ्लिपकार्ट पे तो ये दोस्तों हमें 8,000 के अंडर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट पे वो है रियलमी की तरफ से आने वाला C3। इस स्मार्टफोन ने काफ़ी सारी धूम मचाई थी दोस्तों मार्केट के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि दोस्तों जो इसका प्रोसेसर और जो इसकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। चलिए करते हैं बात दोस्तों अब इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की। तो अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसको जो वेट रहेगा वो हमें 195 ग्राम देखने को मिल जाएगा। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके अंदर में प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो इसके अंदर में देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की HD IPS डिस्प्ले। ये दोस्तों वाटर प्रूफ नॉच के साथ आती है। और अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक का हीलियो G70। ऑक्टाकोर पर बेच रहेगा दोस्तों, तो जो इसके 2 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 2 GHz पे कोटेक्स A75, और जो बाकी के 6 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 1.7 GHz पे कोटेक्स A55। और अगर इसके GPU की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा माली G52। और अगर रैम की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर कैमरे की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर हमें ड्यूल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ। तो जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 12 MP का F1.8, और जो दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का F2.4। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 5 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है F2.4। और अगर बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि कोई भी फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ नहीं आती है। और अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2G, 3G और 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर ऑडियो जैक की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो फोन है हमें 8,000 रुपये में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा वो है सिर्फ गेमिंग। तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो मीडियाटेक का हीलियो G70 देखने को मिलता है वो काफ़ी पावरफुल देखने को मिल जाता है दोस्तों इस प्राइस बकेट में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों आप काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स पे खेल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और करते हैं बात नंबर 1 स्मार्टफोन की। तो दोस्तों जो हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे है वो है रियलमी की तरफ से आने वाला Narzo 10A। अब दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर बात की है दोस्तों इसके डिज़ाइन की तो इसका जो वेट रहेगा वो हमें 195 ग्राम देखने को मिल जाता है। और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। और अगर बात की है इसके डिस्प्ले की तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की HD IPS डिस्प्ले। ये वाटर नॉच के साथ आती है दोस्तों। और अगर इसके प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो G70। ऑक्टाकोर पे बेच रहेगा दोस्तों, तो जो इसके 2 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 2 GHz पे कोटेक्स A75, और जो बाकी के 6 कोर रहेंगे वो वर्क करेंगे 1.7 GHz पे कोटेक्स A55। और अगर इसके GPU की बात की जाए तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है माली G52। और अगर रैम की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3 GB की रैम देखने को मिल जाती है। और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256 GB। और अगर कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो रहेगा 12 MP का F1.8, और दूसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का F2.4, और जो तीसरा कैमरा रहेगा वो रहेगा 2 MP का F2.4। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 5 MP का फ्रंट शूटर देखने को मिल जाता है, जो कि F2.4 अपर्चर के साथ आता है। और अगर बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि कोई भी फास्ट चार्जिंग के साथ नहीं आती है दोस्तों। और अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 2G, 3G और 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर ऑडियो जैक की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो इसके अंदर हमें दोस्तों बैक की तरफ यानी कि रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इस फोन की जो प्राइसिंग है ये हमें 8,500 का देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसी वजह से दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। बट दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा जब भी फ्लिपकार्ट पे सेल कोई भी चलेगी तो ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों ये आपको 8,000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सेस कार्ड है तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से 5% ऑफ देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों आपको 8,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपके लिए रहेगा बिल्कुल क्लियर डील। इस फोन के अंदर दोस्तों आपको अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल पैकेज आपको देगा दोस्तों ये स्मार्टफोन। तो बिल्कुल से आप दोस्तों स्मार्टफोन के साथ जाइए अगर आपका बजट है 8,000 रुपये। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 ऐसे गेमिंग स्मार्टफोन जो आपको 8,000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है जरूर से हमें लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों हमारे चैनल को, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।